दोस्तों, किंग खान और राजा मौली की अगली फिल्म को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इसके बाद शाहरुख खान के फैंस खुशी पागल हो रहे हैं, क्योंकि किंग खान और राजा मौली साथ मिलकर इतनी बड़ी फिल्म बनाने वाले हैं जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में आज तक नहीं बनी होगी। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक ये एक बाहुबली की तरह हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा फिल्म होगी, लेकिन इसका बजट कम से कम 800 से 1000 करोड़ के बीच होगा, और अगर ये फिल्म बन जाती है तो हॉलीवुड विदेशों में इसको काफी ज्यादा देखा जाएगा, क्योंकि किंग खान और राजा मौली को दुनिया भर के लोग जानते हैं। RRR के बाद राजा मौली ग्लोबल डायरेक्टर बन चुके हैं, वही किंग खान शाहरुख तो पहले से ही ग्लोबल स्टार हैं। वैसे तो शाहरुख खान पठान 2 पर भी काम शुरू कर चुके हैं, जो यशराज स्टूडियो के स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म है। वही कुछ खबरें ये भी सामने आ रही है कि शाहरुख द किंग को पहले रिलीज करेंगे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो शाहरुख खान ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है और वो अब किंग फिल्म की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं। वही दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शाहरुख खान अभी ऋतिक रोशन के पिता से भी मीटिंग कर चुके हैं। इस साल शाहरुख अपनी फिल्मों को सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें ज्यादातर एक्शन फिल्में ही होगी। वही दोस्तों, शाहरुख की कंपनी की तरफ से बताया गया है वो रोमांटिक फिल्में नहीं करेंगे, अब सिर्फ शाहरुख एक्शन फिल्मों को साइन करने वाले हैं। खबरों की माने तो 3 बड़ी फिल्में शाहरुख करेंगे जिनको वो अनाउंसमेंट करने वाले हैं। इसके अलावा 3 बड़ी फिल्म शाहरुख खान के हाथ लगी है जिनका अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। दोस्तों, शाहरुख खान के लिए पिछला साल 2023 ब्लॉकबस्टर रहा। उन्होंने अपनी सभी फिल्मों से करोड़ का बिजनेस किया, जहां किंग खान ने साल की शुरुआत सिद्धार्थ आनंद की पठान और उसके बाद एटली की जवान की रिलीज के साथ की, और साल का अंत राजकुमार हिरानी की डंकी के साथ किया, और अब इसके बाद वह अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में लग गए हैं। फिलहाल की अपडेट के मुताबिक किंग खान इस बात से बेहद खुश हैं कि उनका साल कैसा गुजरा।